का ट्रेलर YouTube पर डिलीवर हुआ है। एक कॉमिक ड्रामा मूवी है, 3 मिनट 3 सेकंड के ट्रेलर में क्या कुछ अच्छा है, बुरा है, आइए इस बात पर बात करते हैं। कहानी मिमी की। जॉन और समर नाम के विदेशी मूल के कपल चुरू राजस्थान घूमने आए हैं। यहाँ इन्हें मिलता है एक ड्राइवर कम गाइड भानु, पूजा पाठ करने वाला धार्मिक व्यक्ति। जॉन और समर सरोगेसी के थ्रू बच्चा चाहते हैं। ये भानु से कहते हैं कि अगर वो उनके लिए कोई सरोगेट मदर ढूंढ दे तो वो उस लड़की को और उसे खूब पैसा देंगे। भानु उनका ये ऑफर ले जाकर देता है अपनी दोस्त मिमी को। मिमी को डांसिंग का शौक है, एक दिन बड़ी डांसर बनना चाहती है जिसके लिए उसे बहुत पैसों की ज़रूरत है, लिहाजा वो सरोगेट मदर बनने को तैयार हो जाती है। मगर अब प्रेगनेंसी के दौरान वो माँ बाप के सामने घर में तो रह नहीं सकती, कहाँ जाए। ऐसे में मिमी की मदद करती है मिमी की बेस्ट फ्रेंड सना। वो मिमी को अपने घर ठहरने को कहती है, लेकिन सना रूढ़िवादी मुस्लिम इलाके में रहती है, जिस वजह से सना कहती है कि उसके यहाँ रहने के लिए भानु और मिमी को मुस्लिम कपल बनकर रहना पड़ेगा साथ में। बस फिर भानु और मिमी सना की कल्याण वाली खाला की भतीजी चांद और नसीरुद्दीन बनकर सना के यहाँ रहने लगते हैं। अब जब भानु नमाज पढ़ने जाता है या जब उससे मुस्लिम धर्म के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, जो वो जवाब देता है, असली मज़े तो तब आते हैं। इधर समर और जॉन बच्चा लेने का प्लान ड्रॉप कर देते हैं और मिमी से बच्चा अबॉर्ट करने को कह देते हैं, लेकिन मिमी बच्चे को गिराना नहीं चाहती। वो अपने माँ बाप के सामने आ जाती है। मिमी को प्रेग्नेंट देख माँ सवाल करती है कि इसका बाप कौन है, तो मिमी भानु की ओर इशारा कर देती है। यहाँ से कहानी में नए सियापे शुरू हो जाते हैं। ट्रेलर कैसा है? बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। आखिरी बार किसी फिल्म के ट्रेलर को देख कब हंसे थे ऐसे याद नहीं। मिमी के ट्रेलर में कई सीन्स ऐसे हैं मतलब ठहाका छूट जाता है। सबसे पहले तो फिल्म के लिए एक्टर्स का चुनाव ही ज़बरदस्त है। फिल्म की स्टोरी लाइन बहुत कमाल है, बहुत ही बैलेंसिंग फिल्म प्रतीत होती है। मज़ेदार ढंग से सरोगेसी और धर्म भेद जैसे गंभीर मुद्दों पर बात करती हुई चल रही है। फिल्म वक्त वक्त पे हंसाएगी और रुलाएगी। ऊपर से सोने पर सुहागा है बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा A.R. रहमान का संगीत। ट्रेलर में दिखे सीन से आकाश अग्रवाल की सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी लग रही है। सुब्रता चक्रवर्ती और अमित रे को भी प्रोडक्शन डिजाइन के लिए पूरे नंबर मिलने चाहिए। कुल जमा बात यह है कि मिमी मजेदार फिल्म लग रही है हर तरफ से। अब इसमें कौन कौन है? पंकज त्रिपाठी, मास्टर एट हिज बेस्ट। पंकज जी इस फिल्म की हाईलाइट रहने वाले हैं। कमाल के कॉमिक सीन्स उनके हिस्से में आए हैं, जिसे वो परफेक्ट टाइमिंग और कमाल के फनी और नेचुरल एक्सप्रेशंस के साथ ऐसे डिलीवर करते हैं कि खिल्ली छूट जाती है। साथ में कृति सानन बतौर मिमी बहुत ही सटीक अभिनय कर रही हैं। कोई अचंभा नहीं होगा अगर मिमी उनके करियर की एक लैंडमार्क फिल्म बनकर उभरे। उनकी सहेली सना के किरदार में साई तावणकर फिट बैठते हैं। एक हल्की सी सहमी सी लड़की का किरदार करेक्ट पकड़ा हुआ है उन्होंने। मिमी के मम्मी पापा के रोल में है हमारी खिचड़ी वाली हंसाबेन यानी कि सुप्रिया पाठक और ऑफिस वाले भाटिया यानी कि मनोज पावा। अब इन दो कलाकारों के क्या कहने, आपने पिछले किरदारों की तरह इन किरदारों में भी दोनों बेहतरीन ही है। प्लस इन दोनों की पेयरिंग फ्रेश है। सबका काम ट्रेलर में तो काफी अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं राइटर डायरेक्टर की। मिमी 2011 में रिलीज हुई मराठी फिल्म मला आए व्याचे, माफ कीजिएगा अगर उच्चारण गलत हो तो, लेकिन इसी फिल्म का रीमेक है। इससे पहले इस फिल्म का तेलुगु में वेलकम ओबामा नाम से भी रीमेक आ चुका है। मिमी को डायरेक्ट किया है लुका छुपी वाले लक्ष्मण उतेकर ने। मिमी के डायलॉग और स्क्रीन प्ले रोहन शंकर और लक्ष्मण उतेकर ने ही लिखे हैं और कमाल लिखे हैं। ट्रेलर देख के ही उनकी सराहना करने का मन करता है। मिमी को स्त्री फेम डायरेक्टर दिनेश विजन अपने प्रोडक्शन हाउस मैडॉक फिल्म्स के अंडर प्रोड्यूस कर रहे हैं जियो स्टूडियोज के साथ मिलकर। मिमी 30 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। हमारे हिसाब से तो सबको मिमी की इस मजेदार गोद भराई में जाना ही जाना चाहिए। अच्छी फिल्म लग रही है ट्रेलर से तो। ये स्टोरी आपके लिए लिखी है, ये रिव्यू आपके लिए लिखा है दिला लंटॉप में इंटर्नशिप कर रहे शुभम ने। मैं हूं सोनाली, शुक्रिया।